नमस्कार, आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया। इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह चर्चा करते हैं किसी एक बीमारी और उससे जुड़ी समस्याओं पर, और इस समस्या से निपटने का एक्यूप्रेशर के जरिए क्या है तरीका, यह बताने के लिए हमारे साथ हर सप्ताह स्टूडियो में मौजूद रहते हैं एक्यूप्रेशर गुरु डॉक्टर सर्वदेव प्रसाद गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर। आज हम चर्चा करेंगे कमर दर्द और स्लिप डिस्क का। इन दिनों कमर दर्द और स्लिप डिस्क का मामला दुनिया भर में काफी देखने को मिल रहा है। इससे ग्रसित होने वाले लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। क्या है स्लिप डिस्क और कैसे होता है यह मर्ज, देखते हैं इस रिपोर्ट में। शरीर में कमर को सबसे मजबूत भाग माना जाता है। कमर की बनावट में रीढ़ की हड्डियां, वर्टीब्रा, कार्टिलेज, डिस्क, जोड़, मांसपेशियां, लिगामेंट व नसें आदि सभी शामिल होते हैं। इनमें से किसी में भी अगर परेशानी हो तो कमर दर्द उत्पन्न हो सकता है। इन दिनों दुनिया भर में कमर दर्द का एक बड़ा कारण स्लिप डिस्क नामक मर्ज है। हमारी रीढ़ की हड्डियां 33 हड्डियों के जोड़ों से बनती हैं। प्रत्येक दो हड्डियां आगे की तरफ एक डिस्क के द्वारा और पीछे की तरफ दो जोड़ों के द्वारा जुड़ी होती हैं। उम्र के बढ़ने पर डिस्क के अंदर रहने वाले पानी की मात्रा कम होने लगती है। इस कारण डिस्क पीछे की ओर खिसक जाता है। नतीजन नसों पर दबाव पड़ने लगता है और स्थिति में कमर व पैरों में दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। स्लिप डिस्क का रोग कमर के अलावा गर्दन में भी हो सकता है। कमर दर्द और स्लिप डिस्क से जुड़ी बीमारियों के सामान्य लक्षण हैं। पैरों का सुन्न होना, पैरों में कमजोरी का एहसास होना, चलने फिरने पर पैरों में दर्द बढ़ना, झुकने या खांसने पर पूरे पैर में करंट जैसा महसूस होना। जिन्हें स्लिप डिस्क की शिकायत होती है उन्हें कमर के निचले हिस्से में असहनीय पीड़ा होती है जो फैलकर कूल्हे तथा टांग तक पहुंच जाती है। इस रोग का अगर समय रहते इलाज ना किया जाए तो शरीर में लकवा तक मार सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन। तो डॉक्टर साहब, हमने इस रिपोर्ट में देखा कि आखिर स्लिप डिस्क है क्या, लेकिन हम कहेंगे कि सीधे और सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया कि आखिर यह होता कैसे है और कारण क्या है इसके। मनुष्य के रीढ़ में 33 वर्टिब्राज होते हैं, जिसमें 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिका और 5 लंबर, 5 सैक्रल और 4 कॉक्सिका। जनरली ये लंबर वर्टिब्रा और सैक्रल वर्टिब्रा पर यह रोग अटैक करता है। कारण ये होता है कि दो वर्टिब्रा के बीच में कोमल भाग होते हैं। जब मनुष्य अपने कार्यों में थोड़ी सी असावधानी बरतता है, जैसे तनाव होता है, उस पर दबाव पड़ता है रीढ़ के हड्डी पर, तो ये भार अधिक पड़ने से भी यह रोग होता है। जैसे ऊंचाई से कूदने पर, ऊंचाई से गिरने पर भी यह रोग स्लिप डिस्क का होता है, जो कहा जाता है रीढ़ के हड्डी के लिए कि फलां का बैकबोन बहुत मजबूत है। देहातों में ऐसा कहा जाता है, शहरों में भी, कि बैकबोन का इतना महत्व है, रीढ़ की हड्डियों की इतना महत्व दिया गया है कि कहा जाता है कि जैसे किसी व्यक्ति को दो चार नेता एसपी डीएम से अगर परिचय हो, अच्छा रहे, तो कहा जाता है कि भाई उनसे तकरार मत करो, उनका बैकबोन बहुत ही मजबूत है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में बैकबोन यदि मजबूत है तो कोई रोग होने में कोई संभावना नहीं रहती है। लेकिन ज्यों ही उम्र का बदलाव होता है, उम्र बढ़ती है, तो रीढ़ के हड्डियों की शक्ति कम होने लगती है, रीढ़ के हड्डियों में बदलाव आता है, जिसके चलते दबाव पड़ता है। अगर सक्षमता से ऊपर अधिक अगर भार उठाते हैं तो उसमें भी ये दबाव पड़ता है। यदि आप गलत तरीके से भार उठाते हैं तो 16 गुना भार पड़ता है रीढ़ पर। जैसे सपोज करें कि आप 50 किलो का वेट उठाते हैं और गलत ढंग से उठाते हैं, गलत तरीके से उठाते हैं, तो वह 16 गुना यानी 50 × 16 अर्थात 800 केजी का भार उस कमर पर पड़ता है। इसके चलते भी ये होता है। आजकल जो कहा गया है कि अधिक उम्र में
तो अधिक उम्र रीढ़ की कम, रीढ़ की हड्डी की कमजोरी के चलते, लेकिन कम उम्र में भी आजकल होने लगा है जो भार उठाने में होता है, ऊंचाई से कूदने में होता है या गिर जाने से होता है, ये स्लिप डिस्क का होता है। और साथ साथ इसके साथ कमर में दर्द होता है, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है हड्डी की, जिसके चलते अचानक भयंकर दर्द होता है कमर में। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक बीमारी होती है जिसके चलते दर्द होता है, दबाव होता है कमर में। वैसे वैसे आप देखेंगे कि ऊंचाई से गिरने से या सीवियर अधिक दबाव पड़ने से गिरने से इंजुरी भी होता है, बहुत ही जबरदस्त इंजुरी हो जाती है, यानी रीढ़ के हड्डियों में फ्रैक्चर भी हो जाता है। इन सभी बीमारियों के लिए, इन सभी सिम्टमों के लिए, लक्षणों के लिए आप देखेंगे कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में ऑपरेशन के लिए राय दी जाती है, सलाह दी जाती है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के लिए राय दी जाती है, लेकिन वो काफी लंबा प्रोसेस है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक्यूप्रेशर के जरिए कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी राय है कि आप ऐसी स्थिति में एक्यूप्रेशर चिकित्सा ही करावें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसके लिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चेहरे पर मैं बिंदुओं को बतला रहा हूं कि कैसे कहां किस तरह से दबाव दिया जाता है और कितना दबाव दिया जाता है। आप देखेंगे कि बिंदुओं को चेहरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहां पर कई बिंदुएं दिखाई गई हैं, उन बिंदुओं पर आप दबाव देंगे उतना ही जो 20 पाउंड का वेट होता है दबाव। 20 पाउंड का दबाव का मतलब है कि आप मरीज को कोई तकलीफ नहीं दें, उसे आराम से हंसते हंसते वह दबाव बर्दाश्त कर सके, ले सके। और दबाव देने का तरीका बिंदुओं पर जस्ट अंगुली या अंगूठे से दबाव दें, और इस ढंग से दबाव देंगे और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 20 पाउंड के वेट में, तो आपको बहुत ही लाभप्रद होगा। दूसरा आप देखेंगे, देख रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन कितनी देर तक ये दबाव देंगे, 20 पाउंड का दबाव कितनी देर तक? एक बिंदु पर एक मिनट, या घड़ी देकर एक मिनट, या गिन करके 50 या 51 बार पंप की तरह दबाव दें, या घड़ी देख करके एक मिनट में आधा मिनट क्लॉकवाइज और आधा मिनट एंटी क्लॉकवाइज। जी, ये तो चेहरे की बात हो गई, और शरीर के कौन कौन से हिस्से में दबाव देंगे तो इस दर्द से निजात मिलेगा? आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर तलवा का तलवा दिखाया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देखेंगे गौर से कि तलवे पर भी बिंदु बनाए गए हैं, उन बिंदुओं में मुख्य रूप से आप पैर के अंगूठे की तरफ से किनारे किनारे देखेंगे, वह रीढ़ के बनावट की तरह है। तो जिस स्थान में दर्द होता है उसी तरह से बनावट के अनुसार आप देखेंगे कि एड़ी के नजदीक एक बिंदु होता है, दोनों तरफ है, उन बिंदुओं पर दबाव देने से बहुत ही जल्दी आराम मिलता है दर्द में। और धीरे धीरे कई दिनों तक दबाव देंगे तो स्लिप डिस्क में भी फायदा नजर आएगा। इसके अलावा कई बिंदु हैं इस पर, और बीच में भी बिंदुएं हैं जिसको आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसको आप आसानी से देखें और उसको अपनावें, तो आपको स्लिप डिस्क में तलवे के दबाव से भी आराम होगा। चेहरे और तलवे के बाद और कौन से हिस्से हैं शरीर के? शरीर पर रही है, एक साइड में बिंदु, साइड में देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, जिसमें दिखाया गया है आपको GB30 गॉल ब्लैडर के चैनल पर 30 नंबर बिंदु आपको कुल्हे के पास दिखाया गया है। यह बिंदु इतना इंपॉर्टेंट है दर्द और ये स्लिप डिस्क के लिए कि इमरजेंसी और एक्यूट जो कहलाता है, जो तुरंत बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, इसके दबाने से, इसको, इस पर दबाव देने से आप 5 मिनट के अंदर दर्द से तो जरूर राहत पाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि 60 UB चैनल पर 60 नंबर के बिंदु हैं, वह भी बिंदु दिखाए गए हैं, उन बिंदुओं को आप देखेंगे, दबाव देंगे तो बहुत ही आराम मिलेगा। और फिर देखेंगे चेहरा का पिछला भाग पर आवे, पिछले भाग पर आपको देखें शुरुआत में कि सबसे ऊपर सिर पर मिलेगा, पीछे एक बिंदु दिखाया जा रहा है, उस बिंदु पर दबाव देंगे तो अकेले ये 100 बिंदुओं का काम करता है। उसके बाद आप आवे गवर्निंग वेसल्स चैनल होते हैं रीढ़ पर, ठीक रीढ़ पर, जिसमें D3 देखेंगे, D3 जो है आप लंबर वर्टेब्रा
दो के नीच दो और तीन के बीच में वो बिंदु पाया जाता है, उन बिंदु पर दबाव देना है। फिर आप देखेंगे DU4 जो आपको लमर वर्टेब्रा पर बीच में ही पाया जाता है उसको। फिर उसके बाद आप आवेंगे यूबी चैनल, यूरिनरी ब्लैडर चैनल का संबंध डायरेक्ट आपको दर्द और स्लिप डिस्क से होता है, जिसमें 23 नंबर बिंदु दिखाया गया है यूबी चैनल पर, जो आपको मिलेगा लंबर वर्टेब्रा 4 और 5 से 2 अंगुल हटकर। फिर उसके बाद मिलेगा DU25 जो लंबर वर्टेब्रा 2 और 3 से 2 अंगुल हटकर। फिर आपको 32 मिलेगा, 34 मिलेगा, 36 मिलेगा, 37 मिलेगा, आप 40 नंबर देख रहे होंगे घुटने के पीछे है, फिर आपको 57। जी डॉक्टर साहब, हम इसके ऊपर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ कॉलेज जुड़ने शुरू हो गए हैं अनिल है बाराचट्टी से। अनिल आपका स्वागत है, आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर में है, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है, बहुत देर बैठ जाने पर जो है जी, बहुत देर बैठ जाने पर कमर में बहुत सिंकिंग हो जाता है और बहुत दर्द करने लगता है। आप ठीक से बैठने पर होता है या खड़े होने पर होता है अनिल बाबू? बहुत देर अगर बैठने पर अगर उठते हैं तब। हाँ, इसका मतलब होता है, उम्र कितना है आपका? जी सर, उम्र करीब 30 साल है। 30 साल है, इसका मतलब कि आपको कमर में चोट लगी है कभी, या आप ये सवारी पर जा रहे होंगे रोड के गड़बड़ी से झटका लगा होगा, इसके चलते ऐसा हो रहा है। जब आप बैठते हैं तो उस पर तनाव होता है, तो इन बिंदुओं को जो बतलाया हमने, आप इन बिंदुओं को देखेंगे और आजमाइश करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि आसानी से एक ये मैग्नेटिक बेल्ट आता है, बैक बेल्ट, इस बेल्ट को आप कमर पर बांधेंगे। इसमें दिखाया गया है स्टिकर जो लगाया गया है, ये बॉडी से टच नहीं होना चाहिए, बॉडी से टच ये भाग होना चाहिए। बांध करके आप 45 मिनट सुबह और शाम बांधेंगे। इसके अलावा और भी तरीके हैं जी बिंदुओं को दबाने के बाद कि इसको बांधें, और आप एक सुजोक रिंग होता है जिसको लेकर के आप अंगुलियों का मसाज करेंगे, खासकर बीच वाली अंगुली में ये पॉइंट होता है जो आपको कमर दर्द और स्लिप डिस्क में बहुत ज्यादा अधिक फायदा करेगा। साथ ही इसके बाद लकड़ी का बना हुआ एनर्जी प्लेट होता है जिसमें कांटेदार होते हैं, उस प्लेट पर तेजी के साथ आप कदम ताल चलेंगे तो उसमें शरीर के अंदर जो प्रवाहित होने वाली ऊर्जा है जिसका माप है 0.87 वोल्ट, वह असंतुलित होने के चलते ही दर्द होता है, तो वह संतुलित होने लगेगा और दर्द में कमी आएगी। तो चलिए अनिल जी, आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया है। और डॉक्टर साहब, ये जो स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम होता है, कमर के दर्द की जो शिकायत होती है, जिनको बहुत दिनों से होती आ रही है, जैसे 30 साल की उम्र में शुरू हुई और 60-65 साल के हो गए हैं, लगातार ये दर्द हो ही रहा है, तो क्या एक्यूप्रेशर के जरिए हम उनका भी इलाज कर सकते हैं? एकदम एक्यूप्रेशर में ही इसका सही इलाज है, क्योंकि ये हम अधिक नहीं बताना चाहेंगे, ऑपरेशन जो है हमेशा सफल नहीं हुआ है, और एक्यूप्रेशर से स्लिप डिस्क मोस्टली देखा गया है मेरे अपने अनुभव में कि 8 सिटिंग में स्लिप डिस्क तो कंट्रोल हो जाता है और दर्द तो पहले दूसरे ही ट्रीटमेंट में ठीक हो जाता है। इसलिए आप कुशल एक्यूप्रेशर चिकित्सक से इसकी चिकित्सा करा सकते हैं। कितना भी पुराना दर्द क्यों ना हो, स्लिप डिस्क या कमर दर्द का, उससे हम निजात पा सकते हैं। कम उम्र के लोगों में जल्दी फायदा होता है, लेकिन अधिक उम्र के लोगों की चिकित्सा में थोड़ा समय लगता है। डॉक्टर साहब, अपनी ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। एक्यूप्रेशर योग डॉक्टर बने
नामांकन प्रारंभ, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, सरकारी नियोजन शीघ्र प्रारंभ, एक्यूप्रेशर परिषद यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त यूजीसी डीईसी एआईसीटीई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी डिग्री, ट्रेडिशनल कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स, लाइब्रेरी साइंस, कंप्यूटर कोर्स, जर्नलिज्म कोर्स, योगा नेचुरोपैथी, हर्बल हेल्थ वर्क, फर्स्ट एड, आयुर्वेदिक फार्मेसी, फार्मेसी असिस्टेंट, डेंटल मैकेनिक में भी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर मास्टर डिग्री कोर्स करने की व्यवस्था। नामांकन हेतु संपर्क करें बीएवाईसी इंस्टीट्यूट बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज, बीएवाईसी इंस्टीट्यूट बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज एवं कंप्यूटर एजुकेशन काउंसिल के फ्रेंचाइजी हेतु संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर में। हम डॉक्टर साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर स्लिप डिस्क होता कैसे, कमर दर्द से कैसे निजात पाए एक्यूप्रेशर के द्वारा। हमने ये बात तो इस बारे में तो डिस्कशन कर लिया कि आखिर हम एक्यूप्रेशर कैसे करें, अलग अलग बिंदुओं पर कितना प्रेशर दें, कितनी देर तक प्रेशर दें ताकि हम इस दर्द से निजात पा सके। लेकिन एक सवाल यह है कि आखिर होता कैसे है ये, क्योंकि मतलब आपने कहा कि भार उठाने से, तो क्या सिर्फ ये भार उठाने से होता है या फिर और भी कोई कारण है? और भी कारण है, तनाव जी, दबाव, कमर पर तनाव दबाव, चिंता से भी हो जाता है। इसलिए यह स्लिप डिस्क जो है, रीढ़ की हड्डी जब एज अधिक होता है तो कमजोर हो जाता है, उसकी शक्ति कुछ कमजोर हो जाती है, और उस हालत में दबाव पड़ता है या झटका लगता है, चोट आती है, ऊपर से कूदता आदमी, जंप करता है या गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस लंबर 4, 5 और S1 पर दबाव पड़ता है जिससे नर्व दबता है, तो ये दर्द होता है। और दो वर्टेब्रा के बीच में कोमल भाग जो होता है उसे थोड़ा सा आप पहले ही देख चुके हैं, ये खिसकने की बात थोड़ा सा है, वह ठीक होता है। तो ये शरीर के अंदर जो प्रवाहित होता है एनर्जी, जो नाप में भी आया है कि 0.87 वोल्ट प्रवाहित होता है, तो वह असंतुलित हो जाता है, इसीलिए दर्द होता है। एक्यूप्रेशर के द्वारा उस एनर्जी को जो 0.87 वोल्ट प्रवाहित होता है उसको संतुलित किया जाता है और दबाव देने से संतुलित हो जाता है, दर्द ठीक होता है, स्लिप डिस्क की बीमारी भी दूर हो जाती है। अगर काफी लंबे समय तक ये दर्द रहे, जैसा कि मैंने कहा कि लगातार 30-30 सालों तक लोगों को ये दर्द होता रहता है, लोग इसका इलाज नहीं करवाते, इग्नोर करते रहते हैं कि कमर दर्द है, दवा लगाकर ठीक हो जाता है, तो अगर लगातार ये दर्द होता रहे तो और कौन कौन सी समस्याएं किसी इंसान को झेलनी पड़ सकती है? वह रोग बढ़ते जाएगा, घटने के बजाय टेम्पररी दवाई लोग बाजार में लेते हैं पेन किलर के रूप में, तो पेन किलर का कोई असर नहीं होता है उस पर, जब भी जब तक वह ऊर्जा जो प्रवाहित होता है वह संतुलित नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी में कुछ मजबूती नहीं आएगी, तब तक ये रोग तो दूर होगा नहीं, दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़े हैं, डॉक्टर साहब विजय है बनारस से। विजय आपका स्वागत है आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर में, क्या सवाल है आपका? सवाल है जी, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराए आप, अपना सवाल एक बार आप फिर से दोहराए जी। इनके जी कमर में दर्द हो रहा है और निदान जानना चाह रहे हैं। आपका उम्र कितना होगा? 35 साल। कितने दिनों से ये कमर में दर्द है आपको? 20 दिन से। ओह बहुत नहीं, कितना? 20 दिन से है। 20 दिन से आपको दर्द है, तो ये तो बहुत नजदीक का दर्द है। इसके लिए कोई दवा भी आपने लिया है? दवा भी लिया है। एक्सरे वगैरह भी कराए हैं, MRI वगैरह भी कराने का एडवाइस लो किया गया है? अच्छा जी, ये दवा जो दी गई है उसे दर्द में कमी आ रही है कि नहीं? तो आप एक ऐसा करें कि आप अपने नजदीक के किसी कुशल एक्यूप्रेशर चिकित्सक से मिलें, आप पाएंगे कि उसमें बहुत फायदा होगा। रीढ़ के दोनों तरफ
लंबर वर्टेब्रा से लेकर सैक्रल तक ठीक जस्ट नीचे कोई तेल है, मैंने स्लिपरी तेल लगा करके आप अंगूठा से ऊपर से नीचे की ओर दबाव देंगे 15-20 बार इस ढंग से, तो आपको दर्द में कमी आएगी। और एक आता है 16 चक्के का एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे मसाज करें ऊपर से नीचे की ओर, और ये हमने दिखलाया कमर बेल्ट, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो कोई दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अच्छे हो जाएंगे। वैसे जी डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार उस कॉलर जुड़ रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है। अगले कॉलर हमारे अमजद हैं पटना से। अमजद आपका स्वागत है आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर में, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मुझे नींद नहीं आती है, क्या एक्यूप्रेशर में इसका इलाज है? हाँ, नींद नहीं आती है, ये दर्द के चलते नींद नहीं आती है या और कोई कारण है? नींद नहीं आती थी, इसका इलाज अवश्य है, लेकिन कुछ तो बतावेंगे आपको कि आखिर नींद नहीं आने का क्या कारण है, दर्द है आपके शरीर में या ऐसे कोई टेंशन आपके आपके यहाँ है, आपके पास है, उससे भी नींद नहीं आती है। तो दर्द के चलते अगर है तो मैं बताऊं, और केवल नींद नहीं आती है तो उसका कॉज भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या कारण है कि नींद नहीं आती है। फिर भी डॉक्टर साहब एक जनरल जो होता है अगर नींद नहीं आ रही किसी को, तो जनरल है क्या कि प्रेशर के जरिए हम क्या करें वो बताइए। एक्यूप्रेशर में नींद नहीं अगर आती है तो उसके लिए ट्रैंक्लाइजर के रूप में कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि इस हाथ पर यहाँ पर फोर फिंगर और थंब के ये तर्जनी और अंगूठे के सीध में आप आवेंगे तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा जो माउंट बनेगा, ऐसे बनाने पर उस बिंदु को आप दबाएंगे, बहुत तेज गहरी दबाव देंगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगा दोनों हाथों में। ये नींद की बहुत अच्छा, नींद के लिए बहुत अच्छा बिंदु है। और भी तमाम ये टेलीफोन वगैरह दूरभाष से हम लोगों को सूचनाएं मिल रही है कि हाँ ये आपको रोग है, तो इसके लिए अच्छा है कि बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज जो पटना में स्थित है, अपने अपने रोगों की चिकित्सा के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है 6 दिन की 7 दिन की, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसमें आपको और भी कोई कारण से रोग अगर है, नींद नहीं आती है, तो उसका भी निदान होगा और बतलाया जाएगा। हमारे साथ अगले कॉलर है मुजफ्फरपुर से, जितेंद्र है हमारे साथ। जितेंद्र आपका स्वागत है आरजे न्यूज में, आपकी समस्या क्या है? एक्चुअली मैं एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हूँ जी। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जी, तो मेरे लिए क्या एक्यूप्रेशर में इलाज है, क्योंकि मेरा दाहिना कूल्हा बदला भी जा चुका है जी। क्या कैसे एक्यूप्रेशर? आपका उम्र कितना हुआ? 42। ये कब बदला गया है कूल्हा? 1996 में सर। उसे मैंने उसका प्रभाव बदलने के बाद ठीक से लगता हो, लेकिन पीठ में भी दर्द की शिकायत हो जाती है कभी कभी। हाँ, तो पीठ में कहाँ से कहाँ तक, मैंने ये आप कुछ बतावेंगे जो कि गर्दन से या गर्दन के नीचे से कहाँ से यह दर्द होता है, कहाँ से कहाँ तक? गर्दन के नीचे से मैंने पीठ के कमर से लेकर ऊपर तक, पूरे कमर से लेकर ऊपर तक। हाँ, तो आप ये देखेंगे कि रीढ़ के गर्दन से लेकर एकदम कमर तक देखिएगा, रीढ़ के नीचे, रीढ़ के ठीक बगल में, करीब एक अंगुल बगल में 28 पॉइंट होते हैं। तो उन बिंदुओं को दिखाने के लिए तो हम नहीं अभी दिखला पा रहे हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि आप गर्दन से लेकर एकदम जहां तक दर्द है, ठीक रीढ़ के दोनों तरफ थोड़ा स्लिपरी कोई आयल लगाकर, जो ताकि अंगूठा आपका स्लिप करे, ऊपर से नीचे की ओर आप बराबर ये मसाज करें, लेकिन रीढ़ पर नहीं, ठीक रीढ़ से जस्ट एक अंगुल हटकर, फिर दोबारा आप दो अंगुल हट करके आप मसाज करें और किसी अच्छे कुशल एक्यूप्रेशर चिकित्सक से मिलें। कोई दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसी से आराम आपको मिलेगा और जरूर आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए आप कामना करते हैं कि आप इस बीमारी से जल्द ही निजात पाए। आखिर ये एक्यूप्रेशर से आप कितने दिन में इस दर्द से निजात पा सकते हैं? दर्द से निजात तो आपको पहले ही दिन से इफेक्ट देना शुरू करता है दर्द से निजात पाने का, लेकिन रोग ठीक होने में रोग की सिवरिटी के अनुसार बताया जा सकता है कि कितने दिनों में ये ठीक होंगे। तो करीब एक माह लगता ही है, एक महीना लग ही जाता है, अगर लग जाता है तो क्या पूर्ण रूप से निजात पा सकते हैं या फिर टेम्पररली ये दर्द खत्म होगा? ये बड़ा अहम प्रश्न है पूर्ण रूप से ठीक होने का।
सवाल उठता है कि जिसके रीढ़ की क्षमता कम हो गई हो तो पहली वाली क्षमता तो लाया नहीं जा सकता है, उसको मजबूत बनाया जाता है, जरूर उसको रिपेयर किया जाता है इस एक्यूप्रेशर विधि से, तो 90% तो आप जरूर अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, हम और आप हमारे स्टूडियो में आए और इन तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया। इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह चर्चा करते हैं किसी एक बीमारी और उससे जुड़ी समस्याओं पर, और इस समस्या से निपटने का एक्यूप्रेशर के जरिए क्या है तरीका, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक्यूप्रेशर गुरु डॉक्टर सर्वदेव प्रसाद गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन न्यूज में। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज हम जिस बीमारी और उसके निदान के बारे में बात करेंगे वो है साइटिका। साइटिका एक ऐसी बीमारी जो मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी व कमर की नसों से जुड़ी हुई है, जिसका सीधा संबंध पैरों से होता है। और कैसे होती है यह बीमारी और क्या है इसका एक्यूप्रेशर के जरिए निदान जानेंगे एक्यूप्रेशर गुरु डॉक्टर सर्वदेव प्रसाद गुप्ता जी से। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या है और कैसे होती है साइटिका। कमर से संबंधित नसों में अगर किसी एक में भी सूजन आ जाए तो पूरे पैर में असहनीय दर्द होने लगता है, जिसे साइटिका कहा जाता है। ये न्यूरोलॉजिया का एक प्रकार है जो बड़ी साइटिक नर्व में सर्दी लगने से या अधिक चलने से अथवा मलावरोध और गर्व ट्यूमर तथा स्पाइन की विकृतियां, इनमें से किसी का दबाव तंत्रिका या तंत्रिका मूलों पर पड़ने से उत्पन्न होता है। दर्द हिप जॉइंट से पीछे प्रारंभ होकर धीरे धीरे तीव्र होती हुई तंत्रिका मार्ग से अंगूठे तक फैलती है। घुटने और टखने के बीच दर्द अधिक रहती है। दर्द के अतिरिक्त पैर में शून्यता भी होता है। तीव्र रोग के असाध्य दर्द से रोगी बिस्तर पर पड़ा रहता है। पुराने रोग में पैर में तीक्ष्णता और सिकुड़न उत्पन्न होती है। बड़ी उम्र में हड्डियों तथा हड्डियों को जोड़ने वाले चिकनी सतह में घिस जाने के कारण ही व्यक्ति इस समस्या का शिकार बनता है। साथ ही नसों पर दबाव भी पड़ता है, और नसों पर दबाव का मुख्य कारण प्रौढ़ावस्था में हड्डियों तथा चिकनी सतह के घिस जाने से होती है। मुख्य रूप से इस परेशानी का सीधा संबंध उम्र के साथ जुड़ा है। अधिक मेहनत करने वाले या भारी वजन उठाने वाले व्यक्तियों में यह परेशानी अधिकतर देखी जाती है, क्योंकि ऐसा करने से चिकनी सतह में स्थित पदार्थ पीछे की तरफ खिसकता है। ऐसा बार बार होने से अंततः इस हिस्से में सूखापन आ जाता है और वह हिस्सा घिस जाता है। साइटिका की समस्या मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी व कमर की नसों से जुड़ी हुई है, जिसका सीधा संबंध पैरों से होता है। इसलिए साइटिका में पैरों में तीव्र दर्द उठने लगता है। साइटिका में पैरों में झनझनाहट होती है तथा खाल भी चढ़ने लगती है। पैर के अंगूठे व उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। कभी कभी कुछ पलों के लिए पैर बिल्कुल निर्जीव से लगने लगते हैं। इस समस्या के लगातार बढ़ते रहने पर यह आंतरिक नसों पर भी बुरा असर डालना शुरू कर देती है। आरएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो डॉक्टर साहब, आपने रिपोर्ट देखी है, जो बीमारी है साइटिका काफी गंभीर बीमारी है। कई बार हम इसके लक्षण को पकड़ नहीं पाते, हल्का दर्द होता है, इसे इग्नोर कर देते, नजरअंदाज कर देते हैं। तो शुरुआती लक्षण हम कैसे पकड़े कि ये जो साइटिका की बीमारी है उसकी शुरुआत हो रही है हमारे शरीर में? आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर प्रोग्राम में सबों को नए वर्ष की शुभकामना। नव वर्ष मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, और विशेषकर साइटिका के रोगी वे इस पर ध्यान दें। आज उनके लिए विशेषकर ये प्रोग्राम है कि आप स्वस्थ रहेंगे अगर इसका अनुपालन करेंगे। तो आपने डिटेल में जाना कि साइटिका क्या है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ पुनः कि स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलता है वह पांव तक जाता है, और वह पांच रूट से निकलता है। लंबर वर्टेब्रा के चौथे और पांचवे से, सैक्रल के वह एक और दो तीन पांच रूट से निकलता है और पांव तक फैलता है। ऊपरी हिस्से घुटने के ऊपर, वहाँ से दो भाग चला
होकर फिर नीचे जाता है, इसमें दर्द होता है, इसी को साइटिका पेन कहते हैं, साइटिका का दर्द कहते हैं। जी ये तो जान लिया साइटिका क्या है, शुरुआती लक्षण क्या है इसके? शुरुआती लक्षण ये इतने भयंकर दर्द होते हैं कि आदमी स्वस्थ रहते हुए भी यदि साइटिका है तो वह बेड पकड़ लेता है, चल नहीं पाएगा, बैठने उठने खड़ा रहने सब तरह से वह परेशान हो जाता है, अंत में उसको बेड पकड़ना पड़ जाता है। जी तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए साइटिका के जो पेशेंट्स हैं उनको, या फिर जो लक्षण जिनके अंदर दिखने शुरू हो गए उनको? जो लक्षण शुरू हो गए हैं उनके लिए एक्यूप्रेशर पद्धति से चिकित्सा करने पर बहुत ही लाभ होगा, और एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति ऐसी पद्धति है जिस बिंदुओं को मैं बताऊंगा, आप आवेंगे खाट पर लाद कर और 20-25 मिनट के अंदर आप पैदल जाएंगे, इतना कारगर है एक्यूप्रेशर। तो आप जाने कि कैसे इसका इस्तेमाल होगा, आप देखेंगे चित्र में चेहरे पर दो चेहरा दिखाया गया है, क्योंकि बिंदुओं का भरमार है इसलिए अलग अलग, ताकि आप सबों को सावधानी से पॉइंट की जानकारी हो जाए। तो आप देखेंगे कि पहले चित्र पर ये बिंदु जो दिखाए गए हैं उन बिंदुओं पर आप प्रेशर उतना दें जो 20 पाउंड का होता है, यानी मरीज को अच्छा लगे, तकलीफ न बढ़े। लेकिन इसमें देखेंगे आप कि दो पॉइंट दिखलाया गया है कि डेंजरस पॉइंट है, इन बिंदुओं पर केवल मसाज करना है, दबाव बिल्कुल नहीं देना। आपने बताया कि दो डेंजरस पॉइंट है, तो यहाँ पे कौन कौन से दो डेंजरस पॉइंट्स हैं जो फेस में आपने बोला? फेस में दिखाया गया जो आंखों पर है, आंखों के ऊपर चित्र में दिखाया गया है। ये तो फेस की बात हो गई, इसके अलावा और कौन कौन से शरीर के हिस्से हैं जहाँ अगर हम एक्यूप्रेशर पद्धति से इलाज करें तो फायदा होगा? ये आप देखेंगे तलवा, पैर के तलवा में बिंदु दिखाए गए हैं चित्र में, आप देखेंगे पैर के तलवा जी, उसमें एक रेखा नीचे एड़ी के तरफ लाइन दिया गया है, वह पूरा लाइन जो है साइटिका का लाइन है, साइटिका नर्व का लाइन है जी। उन बिंदुओं पर आप दबाव 20 पाउंड का, यानी मरीज को अच्छा लगे, दर्द महसूस न हो, उस ढंग से दबाव देंगे। फिर उसके अलावे आपको बाएं पैर में 5 बिंदु दिखाए गए हैं और दाहिने पैर में भी 5 बिंदु दिखाए गए हैं, फिर उसमें अंगूठा के पास भी बिंदु दिखाए गए उंगलियों पर। इन बिंदुओं पर आप हर बिंदु पर 51-51 बार उंगली से या लकड़ी के बने हुए जिमी से दबाव देंगे तो आपको 25 मिनट के अंदर रिजल्ट मिलेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे जी। तो काफी उसके बाद फिर आप देखेंगे हथेलियों पर भी, हथेली पर बिंदु दिखाए गए हैं, आप चित्र में देखेंगे हथेली, उसमें प्रत्येक हथेली में दोनों दाएं और बाएं में दिखाया गया है, इसके किनारे किनारे बिंदु दिखाएंगे। उसके अलावे दाहिने में 3 बिंदु है और बाएं में 2 बिंदु है, इन बिंदुओं पर दबाव देंगे तो आपको साइटिका के रोग में बहुत ही आराम मिलेगा, फायदा होगा। इसके बाद फिर आता है शरीर पर जी। जो आप चित्र में देखेंगे दो फोटो दिखाए गए हैं इसमें शरीर में, एक फोटो ये दिखाया गया है जिसमें ऊपर से आप देखेंगे इस पॉइंट का नाम है GB30, जहां ये स्थित है चित्र में आप देखे होंगे, देख रहे होंगे कि GB30 ऐसा इफेक्टिव पॉइंट है कि यहां दबाव देने से जो मरीज बेड पर सोया हुआ है 3 या 4 मिनट में मरीज उठ कर बैठ जाएगा, ये इतना इफेक्टिव है। एक्यूट साइटिका में बहुत ही अच्छा पॉइंट ये अच्छा काम करता है। उसके नीचे आप देखेंगे GB34, यह GB34 जो है आपको मसल और टेंडन को मजबूत बनाता है जिससे वहाँ आराम मिलता है। फिर उसके बाद देखेंगे UB60 जो है ये आपको रिलैक्स करता है मसल को। फिर दूसरा पिक्चर है आप देखेंगे सामने आवेगा, दूसरा पिक्चर आ रहा है आपके सामने,
दूसरा पिक्चर। तो डॉक्टर साहब, आपने जो बताया, आपने बताया कि ये जो दूसरा पिक्चर देखेंगे आप, कि बिंदु जो दिखाए गए हैं, एक बिंदु है आपको DU3 और DU4, ये DU3 जो है लंबर और सैक्रल के बीच में, ठीक बीचों बीच दो बिंदु दिखाए गए हैं। इन ये बिंदु डायरेक्ट साइटिका नर्व को एक्टिव बनाता है और दर्द को किल करता है। फिर उसके बाद देखेंगे बाएं हाथ में दिखाया गया है LI4, दो अंगूठा के अंगूठा और फोर फिंगर तर्जनी के बीच में ये पॉइंट है LI4, यह सोर्स पॉइंट है। यहाँ से एनर्जी जो है पावर मिलता है तथा बेस्ट एनाल्जेसिक है, पेन किलर का जो काम करता है उसमें ये बहुत ही इफेक्टिव है। उसके बाद आप देखेंगे UB36, UB37, UB40 और UB57, ये चार पॉइंट जो हैं आपको साइटिका के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ये आपको मिलेगा कि रिलैक्स करता है मसल को, हड्डी बोन को, जो उसमें कुछ तरह की किसी तरह की गड़बड़ी आ गई है, माल फॉर्मेशन हुआ है, उसको ये ठीक करेगा और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे साइटिका से। जी चलिए डॉक्टर साहब, हमने तो जान लिया कि ये जो हमारा शरीर है वहाँ कौन कौन से विभिन्न जो पॉइंट्स है वहाँ पे अगर हम एक्यूप्रेशर के द्वारा इलाज करें तो बहुत ही राहत मिलेगा साइटिका के बीमारी से। फिलहाल हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ने लगे हैं, बोकारो से राकेश हमारे साथ फोन लाइन पे। राकेश, आपका स्वागत है आरएन न्यूज में, पूछे क्या जानना चाहते हैं हम डॉक्टर साहब से। हेलो, जानना चाहता हूँ, मेरे दाहिने पैर में बहुत मैंने तड़तड़ाहट रहती है और बहुत कनकनाहट रहती है, क्या ऐसा क्या का लक्षण है? जी डॉक्टर साहब, इनके दाहिने पैर में बहुत ज्यादा कनकनाहट रहती है, दर्द भी होता है, तो जानना चाह रही कि साइटिका के लक्षण हैं, आप बताइए इनको। इन बिंदुओं को जो दिखलाया गया है चित्र में आप देख रहे होंगे, उन बिंदुओं के अलावे आप एक सुजोक रिंग होता है जो दोनों हाथ के बीच वाली अंगुली में आप ऐसे इस तरह से मसाज करेंगे तथा लकड़ी का बना हुआ एनर्जी प्लेट होता है कर्व पुलनुमा, जिसमें छोटे छोटे कांटेदार बने होते हैं, उन पर आप तेजी के साथ 5 मिनट कदम ताल प्रतिदिन करेंगे और इन बिंदुओं का सहारा लेंगे, जो कि चिकित्सक से आप वहां दिखलाएंगे अगर कोई दिक्कत हो तो। फिर भी बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज द्वारा 7 दिनों का ये ट्रेनिंग दिया जाता है, जो अपने रोगों के विषय में ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं और अपने को निरोग रख सकते हैं। तो चलिए राकेश जी, निश्चित तौर पर आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया है, आप जो डॉक्टर साहब ने बताया उसे आप नियमित रूप से करिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। अगले कॉलर हमारे पुनपुन से सदानंद जी हमारे साथ। सदानंद जी, आपका स्वागत है आरएन न्यूज में, आपकी समस्या क्या है? जी हम सदानंद बोल रहे हैं पुनपुन से। जी दाहिने पैर में ठेहुनी के पास में हमेशा झुंझुनाहट रहती है। तो घुटने के पास में हमेशा से झंझनाहट रहती है, तो आप इनको उपाय बताइए। आप इन बिंदुओं को देखेंगे गौर से तो घुटना के ठीक पीछे बीच में UB40 यूरिनरी ब्लैडर चैनल पर 40 नंबर का बिंदु है, और टखना और घुटना के बीच में फिर आप यूरिनरी ब्लैडर चैनल पर 57 नंबर के बिंदु है, इन बिंदुओं पर दबाव देंगे तथा एनर्जी प्लेट पर चलेंगे, आपको निश्चित फायदा नजर आएगा। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। एक्यूप्रेशर योग डॉक्टर बने,
नामांकन प्रारंभ, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, सरकारी नियोजन शीघ्र प्रारंभ, एक्यूप्रेशर परिषद यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त यूजीसी डीईसी एआईसीटीई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री, ट्रेडिशनल कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स, लाइब्रेरी साइंस, कंप्यूटर कोर्स, जर्नलिज्म कोर्स, योगा नेचुरोपैथी, हर्बल हेल्थ वर्क, फर्स्ट एड, आयुर्वेदिक फार्मेसी, फार्मेसी असिस्टेंट, डेंटल मैकेनिक में भी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर मास्टर डिग्री कोर्स करने की व्यवस्था। नामांकन हेतु संपर्क करें BAYC इंस्टीट्यूट बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज, BAYC इंस्टीट्यूट बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज एवं कंप्यूटर एजुकेशन काउंसिल के फ्रेंचाइजी हेतु संपर्क करें। आपका स्वागत है आपका रोग एक्यूप्रेशर में। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो एक्यूप्रेशर पद्धति है उसके उसे अगर हम इलाज करें तो बहुत हद तक फायदा मिलता है, तो कितने समय में फायदा दिखना शुरू हो जाएगा और पूर्ण रूप से कितने समय में जो रोगी है वो इस बीमारी से निजात पा सकता है? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये एक चीज एक्यूप्रेशर में साइटिका के संबंध में जो बातें हैं, जो एक्यूट स्टेज में अगर है साइटिका का दर्द तो उसको 20 से 25 मिनट के अंदर फायदा पहुंचाया जा सकता है जी। और प्रतिदिन अगर किया जाए तो 10 दिन में साइटिका का फिर दोबारा पेन नहीं आवेगा जल्दी, लेकिन लगातार अगर किया जाए तो साइटिका के पेन से बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसके अलावे एक चीज और है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन्स चाहिए, वसा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन्स चाहिए आदि। इन ये चीजें अगर संतुलित रूप में भोजन मिलता रहता है तो रोगी रोग नहीं बनता है, लेकिन जैसे ही इसमें असंतुलन आएगा, इसकी कमी आएगी तो शरीर कमजोर होगा और रीढ़ की हड्डी पर इसका असर पड़ेगा, साइटिका होगा। इसलिए उसको भी ध्यान में रखते हुए हम अपने भोजन में या बाहर से इन वस्तुओं को संतुलित रखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोगों में ज्ञान नहीं होता है कि कितने बार करना चाहिए एक्यूप्रेशर, कितने प्रेशर से करना चाहिए, कितना दबाव बनाना चाहिए, तो गलत तरीके से करते हैं, उसका साइड इफेक्ट्स भी हो जाता है। तो आप कम से कम एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि कितना वजन दे, कितना दबाव दे, कितना प्रेशर होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि एक्यूप्रेशर विधा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। लेकिन दबाव देने का जो तरीका है ये मैंने बहुत बार से बताते आ रहा हूँ कि 20 पाउंड का वेट होना चाहिए प्रेशर देने में जी। 20 पाउंड का वेट वो है जिसमें मरीज को दबाव देने से कोई तकलीफ नहीं हो, हंसते हंसते वह बर्दाश्त करता है। और फिलहाल हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। औरंगाबाद से पंकज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद। पंकज, आपका स्वागत है आरएन न्यूज में, क्या समस्या है आपकी? पंकज, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल हमारे साथ जहानाबाद से सरोज फोन लाइन पर मौजूद है। सरोज जी, आपका स्वागत है आरएन न्यूज में, क्या समस्या है आपकी? सरोज जी, क्या जानना चाहती हैं आप, क्या समस्या है आपकी? तो लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा हमारे कॉलर से। डॉक्टर साहब, जो बीमारी है साइटिका वो एक उम्र के साथ आती है या फिर किसी भी व्यक्ति को हो सकता है? 40 के उम्र के बाद बोन में एक तरह का बदलाव आता है और साथ साथ ये जो हमने बताया विटामिन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसके असंतुलन और एज के अनुसार बोन में हड्डी में बदलाव, ये दोनों कारण होते हैं। तो जनरली देखा गया है कि 40 के बाद होना चाहिए, लेकिन अब रोग के लिए उम्र का कोई नहीं है, कम उम्र में भी होता है। जैसे जा रहे हैं चोट लग गई कमर में तो उसके चलते भी
उसका सही निदान इलाज नहीं हो सका तो भी हो सकता है। चलिए डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर हैं अनिल हैं पटना से। अनिल जी, आपका स्वागत है आरएन न्यूज में। क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? जानना चाहते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई इलाज है तो जी अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराएं आप। डिस्ट्रॉफी ये साइटिका से अलग है और अच्छा होगा कि साइटिका के संबंध में ही कुछ पूछें। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थोड़ा अलग विषय हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं अनिल जी, आप हमारे ये जो प्रोग्राम है वो स्पेशली हम साइटिका के बारे में ही डॉक्टर साहब जानकारी दे रहे हैं, साइटिका के बारे में ही बता रहे हैं। अगली बार जब हम आपकी जो समस्या है उसको लेकर आएंगे तब आपकी समस्या का निदान डॉक्टर साहब बताएंगे। फिलहाल डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो मरीज होते हैं साइटिका के, उनको उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, तो किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए? जैसे पोस्चरल प्रॉब्लम हो जाती है, सही तरीके से बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, तो कैसे सावधानी बरते वो? जब तक वो इस साइटिका नर्व में पेन रहेगा तब तक कोई सावधानी बरतने से फायदा होगा नहीं, उन बेड पकड़वा ही देगा वह रोग, ऐसा रोग है। इसलिए ताकत शरीर में कितना हो, रोगी निरोग हो कितना हो, लेकिन साइटिका का पेन अगर है तो वह बेड पकड़ ही लेता है। इसलिए अच्छा होता है कि सर्वप्रथम GB30 जो हमने बताया कि बहुत इफेक्टिव है, जो 5 मिनट के अंदर आपको असर दिखलाएगा, दर्द कम करेगा, LI4 जो इफेक्टिव पेन किलर है एक्यूप्रेशर में, जो तुरंत फायदा नजर दिखलावेगा, फायदा नजर आवेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि साइटिका के दर्द को लोग नजरअंदाज करते रहते हैं, एक मामूली रीढ़ की हड्डी का दर्द मान कर देते हैं, तो अगर हम इसको इग्नोर करते रहे, नजरअंदाज करते रहे, तो आगे चलकर कितनी परेशानी हो सकती है? परेशानी का तो लिमिटेशन नहीं कह सकता, अगर इस पर सावधानी नहीं बरती गई तो मनुष्य को, तो उस रोगी को तो बेड पकड़ कर बेड पर ही रहना पड़ेगा और धीरे धीरे कुछ भी हो सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड इंटर स्पाइनल में ट्यूमर हो सकता है और बोन में तरह तरह की बातें आ सकती है, सूजन हो सकता है जी। मतलब अगर साइटिका का दर्द है तो उसको नजरअंदाज करना काफी मुसीबत खड़ा कर सकता खड़ा है कर लोगों सकता के लिए। जी हाँ एकदम। तो आपने जो पॉइंट्स बताए थे, जितने भी बॉडी में पॉइंट्स बताए थे, आम इंसान के लिए उन पॉइंट्स को चुन पाना काफी मुश्किल होता है। हाँ तो इसमें अगर मुश्किल है तो वहाँ योग्य एक्यूप्रेशर के चिकित्सक हों उनसे मिलें, अथवा बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज पटना द्वारा अपने रोगों के लिए 7 दिन का स्पेशल कोर्स चलाया जाता है, आप वहाँ कंटैक्ट करेंगे तो आपको ये सुविधा आप वहाँ से ले सकते हैं। वैसे मेरी जानकारी में 6 जनवरी से भी एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है जिसमें आप भाग लेकर के अपने रोग के बारे में जान सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं और किसी तरह की दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने जिंदगी तक उस साइटिका से दूर रहेंगे। चलिए हमारे दर्शकों के पास एक अच्छा मौका है इस साइटिका, अगर बीमारी है आपको तो उसे निजात पाने का। फिलहाल हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं फोन लाइन पे पटना से। मनीष जी आपका स्वागत है आरएन न्यूज में। क्या समस्या है आपकी, क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? सबसे पहले डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब हम स्पाइनल डिसऑर्डर के पेशेंट है, मेरा L4-L5 स्प्लिट है, पिछले 6 महीने से मेरे ठौने के नीचे एक रिंग बना करता है जो काफी खिंचाव महसूस होता है और पैर को उठने में काफी तकलीफ देता है, इसका क्या आपके पास निदान हो सकता है? उम्र क्या है? उम्र मेरा वही 40 के आसपास है। 40 के आसपास है, देखिए आप देख रहे हैं तो उसमें देखे होंगे DU3 और DU4 बिंदु जो है फिगर नंबर 6 पर, 5 और 6 पर देखे होंगे, फिगर नंबर 5 और 6 उसको याद करेंगे, उसमें GB30 और फिगर नंबर 6 में आपको मिलेगा DU3 और 4 जो, और फिर मिलेगा आपको इसमें GB34 जो मसल टेंडन को मजबूत बनाता है, और इसमें आज तो दिखलाया नहीं जा सका UB11 एक पॉइंट होता है
जो सर्वाइकल वर्टेब्रा के 7 नंबर से 2 अंगुल दोनों तरफ हटकर यूबी चैनल पर 11 नंबर का बिंदु है, जो बोन के लिए बहुत ही अच्छा बिंदु है, जो बोन को रिपेयर करता है और उसे आप स्वस्थ रहेंगे, बोन को बोन का रिपेयरिंग होगा शरीर के अंदर, आप अच्छा महसूस करेंगे। UB11। चलिए डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने साइटिका के बारे में इतनी सी जानकारियां दी है। आशा करते हैं हमारे दर्शकों को आपने जो भी बातें बताई हैं उसे काफी लाभ मिलेगा और इसे साइटिका जैसी गंभीर बीमारी से वो निजात भी पा सकेंगे। फिलहाल आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।